हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल। आइए आज हम बनाते हैं अचारी भिंडी। अचारी भिंडी बनाने के लिए आपको क्या लेना है? अचार वाला मसाला, जैसे आप अचार में डालते हो। और हमने इसका नाम अचारी भिंडी इसलिए रखा है क्योंकि ये खट्टी बनेगी, जैसे अचार खट्टा होता है। तो अब ये अचार कैसे खट्टा होता है और इसमें क्या डिफरेंस है, आइए हम जानते हैं। तो पहले आपको क्या लेना है, भिंडी ताजी लेनी है आधा किलो। आप देख सकते हो मैं इसे कैसे काट रही हूँ। मैंने पहले इसका ऊपर का हिस्सा हटा दिया है और मैंने इसे नीचे से नहीं काटा है। अब मैंने लंबी लंबी भिंडी काटने के बाद इसे दो सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। अब इससे ये होगा कि आपकी भिंडी आसानी से कटेगी। आप देख सकते हो कितनी आसानी से कट गई और लास्ट में फिर मैंने इसका नीचे का हिस्सा फेंक दिया। अब हम क्या लेंगे, हम लेंगे अचार वाला मसाला। अब हमें क्या लेना है, सौंफ, मेथी, कलौंजी और थोड़ा सा जीरा। और इसी में हमने क्या डाली है, हींग। अब ये सारे मसाले लेके हमें इसे क्या करना है, एक पैन में फ्राई करना है, यानी इसे गरम करना है ताकि ये पीसने में अच्छे से पीस जाए। तो अब आप देख सकते हो मैं इसे कढ़ाई में गरम कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से गरम हो जाए और हम इसका पीस के बाद में यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो कि कितना क्रैकल हो रहा है, यानी ये चटक रहा है। इसका मतलब है कि ये मसाले जो हैं गर्म हो गए। अब मैंने इसे एक कटोरी में निकाल दिया है, आप देख सकते हो। अब हमने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला। अब हम उस तेल में क्या डालेंगे, कटा हुआ प्याज। ये प्याज मैंने बहुत ही छोटा छोटा काटा है, आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हो। अब आप देख सकते हो ये एकदम अच्छे से तेल गर्म था तो प्याज भी जो है अच्छे से पकने लगा है जी, ये देखिए। अब हम इसमें क्या डालेंगे, नमक, ताकि प्याज जो है जल्दी से पक जाए, और थोड़ी सी हल्दी। अब इसे आप चलाने के बाद बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करोगे, आप देख सकते हो ये बिल्कुल ब्राउन, हमें जैसा कलर चाहिए था वैसा ही बिल्कुल आ गया है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें क्या डालेंगे, हरी मिर्च और कटी हुई भिंडी। हरी मिर्च हमने बाद में इसलिए डाली है ताकि वो पहले डालने से जले नहीं, अगर हम प्याज पर डालते तो ये जल जाती। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हो आपको हल्के हाथों से चलाते हुए भिंडी में मसाले मिलाने हैं और इसे अब ढक के 5 मिनट के लिए धीमी आंच में पकाना है। 5 मिनट के बाद आप देखोगे कि ये भिंडी अच्छे से पक गई है और सॉफ्ट हो गई है। आप देख सकते हो कि कलर भी कितना प्यारा आया है, बिल्कुल ब्राउन। और अब हमें अचारी भिंडी बनाने के लिए क्या करना है, इसका जो मेन फ्लेवर है वो ऐड करना है, यानी जो अचार वाला मसाला हमने इसमें डाला है वो। और खट्टा फ्लेवर लाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें दही मिलाना है। तो मसाला जो हमने पहले गर्म किया था उसे मैंने पीस लिया है और उसमें 1 स्पून फ्रेश दही भी ऐड कर दिया है। दही हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें थोड़ा खट्टापन आ जाए और अचार का मसाला तो है ही। आप देख सकते हो इसमें मैंने डाल दिया है पूरा मसाला और अब हम इसे हल्के हाथों से मिलाएंगे ताकि ये अच्छे से सभी भिंडी में मसाला जो है ऐड हो जाए। आप देख सकते हो ये बिल्कुल मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारी भिंडी भी पक गई है। इसे आप किसी भी दाल या रोटी के साथ खा सकते हो और प्लीज़ खा के बताइएगा कैसी बनी है। देखने के लिए थैंक यू।